सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं होंडा हॉर्नेट 2.0। एंड आज के इस वीडियो में हम सारी डिटेल इसमें शेयर करने वाले हैं आपके साथ, एंड इसको राइड भी करने वाले हैं हम। तो वीडियो का एंड जरूर देखना। सो आइए कंटिन्यू करते हैं वीडियो। आगे बढ़ते हैं वीडियो में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो पुरानी होंडा थी एंड इसमें डिफरेंट की मैं बात करूँ तो वो पूरा चेंज हो चुका है। लुक्स भी चेंज हो चुका है, इंजन भी चेंज हो चुका है, मतलब पूरा चेंज हो चुका है बाइक। सिर्फ और सिर्फ नाम ही वही रह गया है कि होंडा, बाकी बाइक पूरा नया आ चुका है कह सकते हो। एंड स्टार्ट करते हैं हम सामने से। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, फ्रंट का लुक बहुत ही बढ़िया है, एंड यहाँ पर हमें फुल्ली LED हेडलाइट सेटअप मिल जाएगा, एंड यहाँ पर DRL भी हमें मिल जाएगी। एंड यहाँ पर टर्न इंडिकेटर की बात करूँ तो वो भी LED है, जिसकी क्वालिटी की अगर मैं बात करूँ तो क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। यहाँ पर होंडा की बैजिंग हमें मिल जाएगी बीच में। एंड नीचे की तरफ आए अगर हम, सो यहाँ पर हमें अपसाइड डाउन सस्पेंशन मिल जाएंगे USD, एंड सस्पेंशन जो है वो सोवा कंपनी के सस्पेंशन है। सो एंड सस्पेंशन, इस अपसाइड डाउन सस्पेंशन का बेनिफिट ये है कि आपको कॉर्नरिंग में आपको बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देगी ये बाइक। एंड बात करें टायर के बारे में, तो इसमें हमें जो टायर मिलता है वो है 110/70/17 का टायर मिल जाएगा। एंड इसमें हमें फ्रंट में सिंगल चैनल ABS मिल जाएगा, पीछे में हमें ABS नहीं मिलता है, सिर्फ और सिर्फ हमें फ्रंट में सिंगल चैनल ABS मिल जाएगा। एंड इसकी जो फ्रंट डिस्क है उसकी साइज़ की अगर मैं बात करूँ तो वो है 276 mm। एंड बात करते हैं इंजन के बारे में, तो इसमें हमें जो इंजन मिलता है वो 184.4 cc का इंजन मिल जाएगा, जो कि मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करता है 17.26 PS, एंड मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस करता है 16.1 Nm एट 6000 RPM। इसमें हमें 4-stroke SI इंजन मिल जाएगा। एंड आगे बढ़ते हैं हम, तो यहाँ पर नीचे की तरफ हमें बेली पेन भी मिल जाएगा, यहाँ पर होंडा का लोगो मिल जाएगा, एंड यहाँ पर ग्राफिक्स डिकाइल्स थोड़े बहुत मिल जाएंगे। यहाँ पर होंडा की बैजिंग है मिल जाएगी, एंड यहाँ पे 2.0 की बैजिंग हमें मिल जाएगी। इसमें से किक रिमूव कर दी गई है, पहले जो होंडा आता था 160 उसमें किक आपको मिलती थी, इसमें नहीं मिलते हैं। एंड इसमें आपको मेन स्टैंड भी मिल जाएगा। बात करते हैं एग्जॉस्ट के बारे में, सो एग्जॉस्ट की साइज़ भी पहले थोड़ी सी छोटी कर दी गई है। एंड अब हम बात कर लेते हैं रियर टायर के बारे में, सो रियर टायर की अगर मैं साइज़ की बात करूँ तो इसमें मैं रियर में 140/70/17 का टायर मिल जाएगा। एंड डिस्क की अगर मैं बात करूँ रियर, तो वो 220 mm का हमें डिस्क मिल जाएगी रियर में। एंड पीछे का टायर तो बहुत अच्छा लग रहा है, ब्रोड आप देख सकते हो। एंड अगर मैं बात करूँ सीट्स की, सो इसमें हमें स्प्लिट सीट मिल जाएगी आप देख सकते हो। एंड फ्रंट की सीट है उस अच्छी खासी लंबी है, तो बैठने में कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको ऐसी। पिलर सीट भी बहुत अच्छी है, एंड यहाँ पर हमें ग्रैब रिल्स भी अच्छी मिल जाएंगे, जो कि आपको होल्ड करने में तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी ऐसी। एंड बात करते हैं रियर की तरफ, सो यहाँ पर हमें एक्स शेप में ब्रेक लाइट टेल लाइट मिल जाएगी, एंड इंडिकेटर हमें LED मिल जाएगी इसमें। एंड यहाँ पर थोड़ी बहुत कार्बन फिनिश दी गई है, चलते इस तरफ। सो इसमें हमें साड़ी गार्ड मिल जाएगा, आपने बहुत सारी बाइक्स में देखा होगा साड़ी गार्ड जो है वो सिर्फ देने के लिए देते हैं, बट इसमें आप देख सकते हो जो कि बहुत ही बढ़िया मटेरियल भी यूज़ किया गया है क्वालिटी, एंड ये देखने में और भी बल्कि लुक दे देता है। एंड चलते हैं आगे गियर बॉक्स की तरफ, सो इसमें हमें 5-speed का गियर बॉक्स मिल जाएगा, 1 down 5 4 up की पैटर्न है। बात करते हैं फ्यूल टैंक के बारे में, तो इसमें 12 liter का फ्यूल टैंक मिल जाएगा। एंड अगर मैं बात करूँ स्विच की क्वालिटी के बारे में, तो स्विच की क्वालिटी भी बहुत ही प्रीमियम है, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी के स्विच इसमें दे रखी है। यहाँ पर टर्न इंडिकेटर है, यहाँ से हॉर्न है, यहाँ पर हाई बीम लो बीम, एंड यहाँ आगे पास के स्विच है। एंड इस तरफ हमें किल स्विच मिल जाएगी, क्योंकि पुराने होंडा में हमें किल स्विच नहीं मिलती थी आपको पता ही होगा। यहाँ पर हेजल लाइट की स्विच मिल जाएगी इनबिल्ट ही, क्योंकि कंपनी हमें प्रोवाइड करती है, आपको बाहर से लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर हमें पावर का बटन मिल जाएगा। एंड बात करते हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, तो इसमें हमें नेगेटिव डिस्प्ले मिल जाएगी। एंड यहाँ पर टॉप पर हमें RPM टैकोमीटर हमें मिल जाएगा, यहाँ पर स्पीडोमीटर, यहाँ पर हमें टाइम दिखाएगा, यहाँ पर हमारे टोटल ओडोमीटर, एंड यहाँ से आप ट्रिप ए ट्रिप बी कर सकते हो। यहाँ पर हमें फ्यूल गेज मिल जाएगा, एंड यहाँ पर गियर पोजिशन इंडिकेटर भी हमें मिल जाएगा। एंड यह बहुत ही अच्छी डिस्प्ले है, अभी आप देख सकते हो अच्छी खासी धूप पड़ रही है, फिर भी इसमें अच्छा खासा विजन प्रोवाइड हो रहा है। एंड यहाँ पर नीचे की तरफ हमें हाई बीम का, एंड यहाँ पे ABS की लाइट, यहाँ पे न्यूट्रल की लाइट, एंड यहाँ पे इंजन माइल फंक्शन में मिल जाएगा। एंड सो आइए हम सुन लेते हैं इसका एग्जॉस्ट नोट को। सो आइए हम बाइक को राइड करते हैं, देखते हैं कि कैसा परफॉर्मेंस हमें बाइक में से मिलता है। तो अब फिलहाल अपने राइड करने वाला हूँ होंडा हॉर्नेट 2.0,
तो आपने सर वॉकर में देख लिया, अब राइट ओपन करते हैं, देखिए कैसा चला मैंने बाइक। तो स्टार्ट करते हैं, इतनी सारी रियली गुड। एंड इंजन की बात करूँ तो सबसे पहले इंजन की बात करो अगर, तो इंजन बहुत ही बड़ा है, एकदम स्मूथ इंजन है, आपको कहीं पर भी ऐसा लैग नहीं मिलेगा। एंड इंजन के रिफाइनमेंट की अगर बात करूँ तो इंजन बहुत ही रिफाइंड है, जैसे कि आपको पता ही नहीं है कि होंडा के इंजन जो होते हैं वो सारे रिफाइंड इंजन होते हैं। तो इंजन रिफाइंड बहुत ही बढ़िया किया गया है एंड इंजन को ट्यूनअप भी बहुत ही बढ़िया किया गया है, तो इंजन के मामले में कोई भी दिक्कत नहीं है। तो बात करते हैं गियर बॉक्स के बारे में, तो गियर बॉक्स इज रियली लाइट एंड गियर शिफ्टिंग में भी आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, गियर बॉक्स तो इसका बहुत ही लाइट है। एंड क्लच की अगर हम बात करें तो क्लच भी बहुत ही लाइट है, एंड क्लच एंड गियर बॉक्स बहुत ही बड़े हैं, एक नंबर क्लच एंड गियर बॉक्स ये रखा है इसमें। बात करते हैं आगे हम थोड़ा सा परफॉर्मेंस थोड़ा सा बढ़ाएंगे एंड देखते हैं कि कैसा हमें परफॉर्मेंस मिल रहा है। एंड बात करते हैं ब्रेक के बारे में, तो सबसे पहले मैं जैसे कि ब्रेक को प्रेस करूंगा यहाँ पर, इसे में हमें एडियस नहीं मिल रहा है, तो ब्रेकिंग इज अमेजिंग। एंड बात करते हैं फ्रंट वन के बारे में, तो इसमें भी सिंगल जना एडियस मिल रहा है, तो फ्रंट वन इज जस्ट अमेजिंग। फ्रंट की ब्रेक बहुत ही बढ़िया है, फ्रंट की ब्रेक की तो बाइट है वो भी बहुत ही बढ़िया है, तो ब्रेकिंग के मामले में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी ऐसी। तो थोड़ा सा इसको हम थोड़ा सा खींचेंगे, हम देखेंगे कि हमें कैसा परफॉर्मेंस मिल रहा है इस सारे इंजन से। तब तक बात करता हूँ मैं सस्पेंशन के बारे में, तो इसमें फ्रंट में अपसाइड डाउन सस्पेंशन यूएसबी बॉक्स मिल जाएंगे एंड रियर में मॉनिटर सस्पेंशन मिल जाएगा, क्योंकि सस्पेंशन की बात करें तो वो थोड़े से स्टीपर साइड है, कि मदद से आप जब भी एग्रेसिव राइडिंग करोगे तब आपको अच्छा परफॉर्मेंस मिलेगा, आपको कहीं पर भी ऐसा कॉन्फिडेंस लूज नहीं होता है, आपको कॉन्फिडेंस और भी बेटर मिलेगा। ये सस्पेंशन थोड़ी सी स्टीप देने का रीज़न नहीं होता है, आपको पता ही होगा रेसिंग जैसी बाइक रेसिंग आती है तभी स्पोर्ट बाइक रेसिंग बाइक में आपको ऐसे ही सस्पेंशन स्लीपर साइड पर मिलते हैं, तो ये मैंने भी करते हैं स्लीपर सस्पेंशन का। तो सस्पेंशन बहुत ही बड़ा है एंड बात करें सीटिंग पोजिशन के बारे में, इसमें आपकी सीटिंग पोजिशन जो है वो पूरी अपराइट है, तो आपको लॉन्ग ट्रैवल करना है अगर तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी ऐसी, कि आपको बैक पेन दर्द होगा कहीं पर भी आपको कोई भी पेन नहीं होगा ऐसा, तो सीटिंग पोजीशन इज जस्ट अमेजिंग एंड सीट के बाद तो सीट भी बहुत ही बढ़िया सीट है। तो अभी हम थोड़ा सा बाइक को भगाते हैं, देखते हैं कि कैसा परफॉर्मेंस हमें मिलता है इस बाइक से। तो जैसे कि आपको मैंने देखा कि बाइक ने इजीली 100 क्रॉस कर लिया था एंड हमने जो क्रॉस भी अचीव किया है वो अराउंड 108-109 की है अभी फिलहाल, इससे आगे भी जा सकती थी बट मैंने स्लो डाउन कर लिया एंड ये जो हमने परफॉर्मेंस चेक किया वो 30 मिलियन था, तो इसके हिसाब से बहुत ही बढ़िया पिकअप है। इंजिन हाई आरपीएम पे भी आपको वाइब्रेशन नहीं दे रहा है, जो कि एक बहुत ही बढ़िया बात है, आपको नॉर्मली पता होगा कि सभी बाइक में वाइब्रेशन होती ही है सिंगल सिलेंडर में, बट उसमें कुछ खास ज़्यादा वाइब्रेशन नहीं है एंड रियल लाइन तक आपको खींचने में बहुत ही मजा आता है बाइक को, आपको कहीं पर भी पावर लॉस परफॉर्मेंस कहीं पर भी आपको परफॉर्मेंस की कमी नहीं लगेगी एंड लो रेंज में मिड रेंज में एंड टॉप एंड में आपको कहीं पर भी कोई भी कमी नहीं लगेगी एंड बाइक के परफॉर्मेंस में तो एक नंबर बाइक है। तो भी थोड़ा सा बोर्ड दे सकते हो, थोड़ा सा ऑफ रोड टाइप थोड़ा ही कहते हैं, बट उसके बारे में बात करूँ तो स्पीड है तो थोड़े से आपको ऑफ रोडिंग में दिक्कत आएगी, बट उतना भी आपको जब आप बाइक को भगाओगे थोड़ा सा तब आपको पता चलेगा कि ये स्पीड सस्पेंशन का बेटर मतलब फायदा क्या है। अभी मैंने जब 100 क्रॉस की तब मेरे को बहुत ही बढ़िया लगा, जब आप बाइक को भगाते हो तब ये सस्पेंशन जो वर्क करते हैं मतलब स्पीड सस्पेंशन जो इसकी स्पीड है वो आपको बेनिफिट तब होगा कि जब आप बाइक को भगाओगे। एंड हाईवे पे ये भी हाईवे पे ही हमने बाइक थोड़ा सा चलाया जाकर देखा तो हाईवे पे भी हमको ये बहुत ही अच्छी स्टेबिलिटी मिली है बाइक में से, तो स्टेबिलिटी के मामले में कोई दिक्कत नहीं, आपको ओवरटेकिंग में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी ऐसी,
एंड बाइक बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दे रही है, बाइक अच्छी खासी स्टेबल रहती है, बाइक में से हमें परफॉर्मेंस अच्छा मिलता है, बाइक के इंजन बहुत स्मूथ है, वाइब्रेशन बहुत कम है, मतलब माइनर वाइब्रेशन है आप कह सकते हैं, एंड स्टेयरिंग की मतलब हैंडल बार के ऊपर तो हमें कोई भी वाइब्रेशन नहीं मिल रहा है इवन एट द रियल लाइफ। एंड अगर मेरी बात करूँ पर्सनली तो बाइक मेरे को बहुत ही बढ़िया लगा, एंड होंडा के इंजन आपको पता ही है कि कितने बढ़िया होते हैं, बिल्कुल स्मूथ इंजन होते हैं होंडा के, वाइब्रेशन तो होते ही नहीं आता नहीं कह सकते हो आप, एंड रिफाइनमेंट के मामले में बहुत ही बढ़िया होते हैं होंडा के इंजन। अगर मैं बात करूँ कि ये बाइक आपको नहीं चाहिए या नहीं, तो आप डेफिनेटली आप ये बाइक ले सकते हो क्योंकि बहुत ही बढ़िया बाइक है। अगर मैं बात करूँ माइलेज के बारे में तो आप इजीली 38 to 43, 44 तक आप निकाल सकते हो अगर आप नॉर्मल ड्राइव करोगे, बहुत भगाओगे नहीं जगह तब, वरना आपको 35 तक कर लो अगर आप थोड़ा सा रफ ड्राइव मतलब रफ राइड करते हो तो आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो, अगर वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, एंड ऑल्सो मेरे को इंस्टाग्राम पर जाकर फॉलो करें, आइडिया को स्क्रीन के ऊपर दिख रही है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, जगह चेकआउट कर लेना। आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।